राजधानी जयपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर से लेकर मॉल, पार्क, अस्पताल या अन्य जगहों पर अपनी बाइक खड़ी करने से कतराते हैं। शनिवार की ही बात करें तो जयपुर के अलग अलग इलाकों से एक दर्जन वाहन चोरी की घटनाएं हुई है। वहीं मालवीय नगर इलाके में मंदिर जा रही महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात हो गई। जयपुर की बात करें तो शनिवार को करधनी, विद्याधर नगर, चाकसू, बगरू, मोतीडूंगरी, प्रताप नगर, जवाहर सर्किल, आदर्श नगर और वैशाली नगर थाने में बाइक और एक्टिवा चोरी के मामले दर्ज हुए। बगरू थाना इलाके में दो अलग अलग जगहों पर एक ही दिन में बाइक चोरी हुई है। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर शनिवार तड़के नारनाड़ी के पास एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जा रही बोलेरो को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। बोलेरो में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के कारण हाईवे पर जाम लग गया, बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया। टोडा भीम CHO हॉस्पिटल में OPD के टाइम मरीजों की हालात खराब, कम से कम 500 की OPD रहती है। SDM दुर्गा प्रसाद मीणा व तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा के सामने किस तरह चारों तरफ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। मरीजों को निकलने में बहुत परेशानी आती है, परंतु उपखंड अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करता है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी बैठता है देवी सहाय मीणा, वे भी कोई कार्यवाही नहीं करता है। मरीज बहुत परेशान है। मेन गेट पर वाहनों की लंबी कतारों से प्रशासन देख कर चला जाता है, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं करता। अधिकारी की गाड़ी खड़ी अधिकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोई भी वाहनों को नहीं हटवाने की कोशिश करता। सैनिक लीग ने पार्क कैलाश अस्पताल को लूट के अस्पताल बताते हुए जिला कलेक्टर के नाम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही सभी पूर्व सैनिकों पार्क अस्पताल का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि हम सभी बहरोड अस्पताल के क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमको ECHS कार्ड द्वारा पार्क कैलाश अस्पताल आरक्षित किया गया है। जब हम रेफर करवाते हैं तो पार्क अस्पताल हमारे से मनमाने ढंग से चार्ज लेता है। पार्क हॉस्पिटल के अंदर बहुत सी हमारे पास एक्स सर्विसमैनों की शिकायत आई है। इलाज किसी चीज़ का हो रहा है, आँख का इलाज है, दवाई दांत की दे रहे हैं या कोई किसी प्रकार की सारी पूरी उसकी जांच कर रहे हैं। ACG करना, BCG करना, इसमें क्या कहा इसका उचित है? क्यों इनका काम है पैसे कमाना? एक्स सर्विसमैन के खाता इनका फिर नहीं तो उनके बताते हैं कि कितना पैसा इसका लग गया और उसके बाद में इस हॉस्पिटल का नाम ही एक लूटने वाला हॉस्पिटल है। तो मैं एक्स सर्विसमैन से निवेदन करूँगा इस प्रकार के हॉस्पिटल में ना जाएं और अपने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। इस प्रकार धांधली वाले हॉस्पिटल में कभी भी ना जाएं। धन्यवाद। कर लिया, मेरे BPI हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने दवा दिया। एक दिन में पूरा फैसला हो गया कि इसको कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती 6 दिन रखा हॉस्पिटल में और फाइल पूरी हो गई, बीमारी कोई नहीं है। ICU में 6 दिन रखा है इन्होंने। मैं बोलता रहा कोई तकलीफ नहीं, मेरे को घर भेज दो, जाने दो, नहीं भेजा इन्होंने। ज़बरदस्ती 6 दिन पूरे कर लिए ICU के अंदर। मेरे को पता भी नहीं कितने पैसे क्लेम किए इन्होंने, वो पता होना चाहिए। इन्होंने क्या फोटो लिया क्या, मेरे को तो मालूम ही नहीं। कोई साइन नहीं करवाई मेरे से, ये तो पैसे बढ़ाने के चक्कर में है। बाकी कोई वो ही टैबलेट देते थे मेरे को, चार जो मेरे हार्ट की चलती थी, टेस्ट पूरा हो लिया उसी दिन ख़त्म। बाकी इन्होंने ज़बरदस्ती रखा 6 दिन मेरे को पैसे बढ़ाने के चक्कर में। पार्क हॉस्पिटल कमाने का हॉस्पिटल, बिल्कुल एकदम गलत व्यवहार करते हैं। कोई चेक नहीं, वैसे ही बोला कि तकलीफ है आपको, एक दो दिन रखेंगे, एक दिन रुक जाओ, आपका कौन सा क्या हो रहा है, तो ये गलत है ना। पैसे बढ़ाते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। कमाने का हॉस्पिटल दिया और इसकी हेडिंग बदल दो, लूटने वाला हॉस्पिटल। 3500 कोई भी, यदि इनको कोई दिक्कत होगी तो हम सब एक साथ, हमारे 5000 सैनिक साथ खड़े हैं। भी हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ कुछ गदर करेगी तो हम उसका सब पुरजोर बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार क्या है रखा उन्होंने, चले यहाँ नहीं डलाएंगे हम, टोंगिया हॉस्पिटल में डलाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में डलाएंगे। यहाँ क्योंकि वो लल्लू पंजू डॉक्टर होगा, फिर कल प्रॉब्लम आए। तो जैसे ही हमने मना किया कि हम यहाँ नहीं डलाएंगे, रेफर करिए जयपुर टोंगिया हॉस्पिटल ले के जाएंगे हम, तो वहाँ डलाएंगे। तो इन्होंने अपनी सफाई में देना शुरू किया कि नहीं हम गारंटी लिख के देते हैं कि ये तो रोग है ही नहीं इसके। अरे तुम 3 दिन से हमारे पीछे पड़ रहे थे कि इसको छले डलेंगे और आज तुम कैसे पलट रहे हो? जब हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे, रेफर कराने के लिए मांगा, इन्होंने अपने बयान पलटी कर दिए। हम लिख के देते हैं ये कि इसको ऐसा कोई बीमारी नहीं है।
तीसरा उदाहरण यहाँ प्रेजेंट सुबेदार हरि सिंह होगा यहाँ मेरे पास भी, आप उससे पूछ लो, ऐसे ही उसके साथ किया है। तो ये हर आदमी के साथ ऐसे ही कर रहा है। बहुत से उदाहरण है मेरे पास में जो सैनिक आते हैं रिपोर्ट करते हैं, तो हम आज से इसका बहिष्कार करते हैं और अपने सैनिकों को आपके माध्यम से सूचित करते हैं कि इस हॉस्पिटल में नज़दीक देख के ट्रीटमेंट के लिए न जाए, दूर हो लेकिन दुरुस्त हो। हमारे को पार्क हॉस्पिटल ऑथराइज किया गया है, वहाँ पार्क हॉस्पिटल के अंदर बहुत सी अनियमितताएं पाई गई हैं। हमारे सैनिक को तकलीफ न होने के बाद भी उसको एडमिट कर लिया जाता है और अननेसेसरी हमारे पैसे के ऊपर डाका डाला जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक शिकायत आई है, कैप्टन होनी कैप्टन जेसन जो चरखी दादरी तहसील का है, पालड़ी गांव का है, पालड़ी बढ़ाना गांव है उसका, वो सैनिक ECHS से सुविधा लेने के लिए महेंद्रगढ़ जाता है, महेंद्रगढ़ से उसको रेफर कर दिया जाता है गुड़गांव, और उसका कोई आँख का नॉर्मल बीमारी है और महेंद्रगढ़ वहाँ पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव जाने के बाद में वहाँ उसको बोलते हैं कि आप MRI के लिए बहरोड पार्क हॉस्पिटल में जाइए। वो वहाँ से पार्क हॉस्पिटल बहरोड आता है, यहाँ उससे कहता है कि आपको एडमिट किया जाएगा, बिना एडमिट के आपसे कोटरी MRI नहीं किया जाएगा। तो उसने बोला साहब मेरे पास गाड़ी भी है, तो बोला आप अपनी रिस्क के ऊपर पार्क में खड़ी कर दो। अभी इंडिविजुअल अगर एडमिट होता है तो ये जवाबदारी तो पार्क हॉस्पिटल की है ना, लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि अपने किसी जान पहचान के पास नांगल खोड़िया उसने वो गाड़ी रखी और एक तारीख को उसको एक आँख की MRI के लिए एडमिट किया जाता है। लेकिन जैसे ही एडमिट कर लिया जाता है उसका एक्सरे लिया जाता है, चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 20 बार ECG किया जाता है और उसको 5 दिन तक परेशान किया जाता है। जैसे ही उसको एडमिट किया गया है विदाउट किसी बीमारी के आँख का MRI कराने आया है, उसको ग्लूकोज लगा दिया गया है, वो कह रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं यहाँ एडमिट है, आपको दिखाना है, शो करना है, आपको ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा। तो ये कौन सी दादागिरी होगी कि ट्रीटमेंट कुछ है और दिया कुछ जा रहा है और उसका एक्सरे लिया जा रहा है, आँख में प्रॉब्लम है तो चेस्ट के एक्सरे से क्या मतलब है उसका। और फिर 5 दिन के बाद में वो सैनिक कहता है कि नहीं मेरे को MRI करना है तो करिए नहीं मैं जाता हूँ। उसकी MRI की जाती है और उसको बोलता है कि आपके कंसल्टिंग ECHS महेंद्रगढ़ को रिपोर्ट भेज दिया जाएगा और बैरिंग हाथ उसको लौटा जाता है। फिर चरखी दादरी से वो एक सैनिक जो बुजुर्ग सैनिक है जो 60 साल से ऊपर का है, फिर उसको महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, महेंद्रगढ़ जाके ECHS में पूछता है कि सर पार्क हॉस्पिटल से कोई मेरा रिपोर्ट आया, वो कहता है यहाँ कोई कुछ नहीं भेजा है। वहाँ पार्क हॉस्पिटल के विपरीत उसने एप्लीकेशन अपने ECHS अधिकारी को दिया और गुड़गांव पार्क हॉस्पिटल को सूचित किया, तो वहाँ से कोई डॉक्टर जयसिंह रिंग करके आता है कि साहब आप केसबाजी मत करिए और आपका बैरोड से हमें MRI दिला देते हैं। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, 7 दिन एक सैनिक को परेशान किया और उसके बाद के भैया इन्होंने MRI रिपोर्ट पकड़ा दी और मिश्री देवी में जब उसको दिखाया गया तो उसमें कोई MRI की जरूरत नहीं थी। तो इसका पार्क हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य है हमारे एक सैनिक के पैसे के ऊपर डाका डालना और इसकी हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और आज से हम इसका बहिष्कार करते हैं, अपने सैनिकों को बोलेंगे इसका नज़दीक देख के इस हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, आप जयपुर और दिल्ली और कहीं दूसरे अलवर दूसरे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लीजिए लेकिन इस हॉस्पिटल में मत लीजिए, ये सिर्फ डाका डालने के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ऐसा ही केस मेरे पास सुबेदार सुहेर सिंह का आया जिसको पेट और वोमिटिंग थी, उसको ये बहकाया गया इन्होंने कि तेरे एडमिट कर लिया, उसका चेस्ट का लिया, ECG किया गया, सारी चीज़ें किया गया और उसको भयभीत कर दिया कि आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर छल्ले डलेंगे। जब सुहेर सिंह का सारी चीज़ें हो गया, कितना खर्चा उसका 2,60,000 रुपये अकाउंट से काट लिया, जब उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये बात है तो मैंने उसको और मैं उसके जवाई ने मैंने उसको बोला। नगर पालिका के हुल्लीराम मीणा सफाई कर्मचारी ने आज सभी सफाई कर्मचारियों की बचाव के लिए नगर पालिका में मीटिंग ली। सफाई कर्मचारियों से कहा मुंह पर मास्क लगाए रखें और घर पर जाकर सभी लोग साबुन से हाथ व मुंह धोए और बिना मास्क के पाए जाने पर 1100 रुपए की रसीद काटी जाएगी। सभी सफाई कर्मियों को आज नगर पालिका में शपथ दिलाई की, कम से कम 60 सफाई कर्मचारियों को शपथ दिलाई की कोरोना महामारी से बचने के लिए आपको खुद को सुरक्षित रहना है।
मेरी मंजिल गाने के पोस्टर विमोचन पर दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। आर्मी सॉन्ग मेरी मंजिल 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे यूट्यूब चैनल एक्टर AK मीणा पर रिलीज होगा। इस गाने में रामनगर रेवड़ी में जन्मे एक मीणा मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर बूंदी जिले तीर्थ गांव की बेटी भाग्यश्री मीणा आर्मी मेजर के रूप में दिखेगी। दोसा नांगल बेरसी व बापी में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति आम जन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी के साथ जब शुक्रवार को जिले के नांगल बेरसी और बापी केंद्रों पर निरीक्षण किया तो लोगों का कोविड-19 टीकाकरण के प्रति उत्साह देख काफी खुश नजर आए। उन्होंने वहाँ व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जो भी हमारे ANC रजिस्ट्रेशन हैं और जो भी टीकाकरण है, जो बच्चों का शिशु टीकाकरण, उसका भी एक बार अपडेट इंस्पेक्शन किया। क्या कमी पाई है? थोड़े ये रजिस्ट्रों में अपडेशन नहीं है, उनको पाबंद किया हुआ है। आशा रेगुलर नहीं है यहाँ पे, उनको एक बार और इसमें फर्दर डीप देखकर इसमें और एक बार कार्रवाई करें। सफाई को देखकर क्या है? सफाई को देखकर एक बार उनको पाबंद किया है, मेडिकल ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर देंगे इसमें जो भी रहेगा। आमेट पंचायत समिति क्षेत्र के शैलागुड़ा पंचायत मुख्यालय पर कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज पहुंची। ग्रामीणों ने डोज पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाया गया तथा तिलक कर वैक्सीन का स्वागत किया। इस अवसर पर NM मंजूरेगर, सरपंच गंगा सिंह चुंडावत, पूर्व सरपंच नैनू राम कुमावत, भवानी सिंह चुंडावत, रामचंद्र वर्मा, भेरूलाल कुमावत, शिक्षक जगदीश सिंह चुंडावत एवं महिलाएं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपखंड क्षेत्र की पंचायत समिति आंधी क्षेत्र में बेमौसम की बारिश से किसान हुए चिंतित। क्षेत्रों में किसानों की फसल खेतों में पककर तैयार है। इस बेमौसम की बारिश से किसान जनों की चिंता और बढ़ गई है। पहले तो किसान के कुओं में पानी नहीं है, किसान जैसे तैसे करके फसल तैयार की तो बेमौसम की बारिश और कहीं कहीं पर ओले गिरने से फसलों में नुकसान होने की जानकारियां मिल रही है। जो गेहूँ, चने, सरसों आदि फसलों पर चना, सरसों और जो कटाई करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब खेतों में गेहूं की फसल पूर्ण रूप से पककर तैयार है। इस बेमौसम की बरसात से इस पे मौसम की वर्षा ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। कहने को नारी शक्ति को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आज भी महज दहेज के लिए दहेज के लोभी भेड़िए नारी को प्रताड़ित करते हैं। खबर नागौर जिले के मेड़ता रोड पुलिस थाने की सरहद के देन गांव की है। देन गांव की एक फरियादी मनीषा का विवाह 17 नवंबर 2016 को जोधपुर के कुलदीप के साथ हिंदू विधि व जातिगत रीति रिवाज के अनुसार सामाजिक नियमों से मेड़ता तहसील के डारा की ढाणी रेन गांव में हुआ था। फरियादी के पीहर पक्ष की ओर से विवाह पूरी सनोत्साहत से किया गया था। फरियादी के अनुसार मेरे ससुराल पक्ष की मांग को पूरा किए जाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई थी। मनीषा के पिता द्वारा अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ संपन्न की। करीबन 40 तोला सोना, एक गाड़ी सहित काफी दहेज भी दिया। शादी के कुछ समय बाद वर पक्ष द्वारा समय समय पर पैसे की मांग और अनेक प्रकार की मांगे बढ़ने लगी। फरियादी को अनेक प्रकार की पीड़ा व परेशानी का सामना करना पड़ा। फरियादी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी आपबीती कहानी बताते हुए कहा कि उसने 2 सितंबर 2019 को जब अपने ससुराल को चाय बनाकर दी तब ससुर ने उसके साथ गाली गलौज की और अभद्र व्यवहार किया। फरियादी ने बताया कि 5 दिसंबर को मेरे ससुराल में मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मेरे ससुर ने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मेरे साथ दुष्कर्म किया। मैंने इसका विरोध किया और चिल्लाई, मगर घर पर कोई नहीं था। इस प्रकार की घटिया हरकतों और प्रताड़नाओं से मुझे अपने आप से घृणा होने लगी, पर आत्महत्या भी नहीं कर सकी क्योंकि मेरे ससुर ने मुझे धमकी दी थी, अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो मैं तुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फरियादी ने बताया कि उसके ससुर ने इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। फरियादी के ससुर की तरफ से पुलिस में हमारी कितनी पहचान है, मेरी जमाई का पिता बड़ा अधिकारी है और कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उल्टा तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इस प्रकार फरियादी को अनेक प्रकार की धमकियां देकर प्रताड़ना जारी रखी। फरियादी लॉकडाउन के समय परमिशन लेकर अपने घर आ गई। उसके बाद परिवार को बताने के बाद परिवार वालों ने हिम्मत के सहारे फरियादी ने धारा 376 के तहत ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करवाया। ने मेरे साथ गलत काम किया और वीडियो बनाया और मेरे को धमकी दी, किसी को बताया तो वायरल कर दूंगा और मेरा
बेटी का ससुर एडिशनल एसपी रह चुका है, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने विरोध किया, मैं रोई चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था, इसकी वजह से मेरे कोई हेल्प करने नहीं आया। और अब हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे बेटी का ससुर एडिशनल एसपी और हमारी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पिता का नाम संपत लाल विश्नोई है, मेरा गांव रेण है मेरता तहसील में, और मेरी शादी 17 नवंबर 2016 को कुलदीप के साथ हुई जो जोधपुर का रहने वाला है। और मेरे परिवार वालों और पिता ने मेरे को 40 तोला सोना और एक कार और काफ़ी रुपए दहेज में दिए, फिर भी उनकी मांग कम नहीं हुई और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरी सास ने, मेरी नंदों, नंदोई ने और ससुर ने मेरे साथ मारपीट की। और 2 दिसंबर 2019 को मेरे ससुर ने मेरे साथ गलत काम किया और मेरे साथ मारपीट करके मेरे को घर से निकाल दिया।